एक पहलवान आदमी जिसने कई पुरस्कार जीते, अपने देश का प्रतिनिधित्व किया पूरे संसार में और बड़ा नाम रोशन किया। वह अपनी 12 साल की उम्र से ही पहलवानी करने लगा था और उसने अपनी 30 साल की उम्र तक बहुत खेल खेला। अचानक एक मैच के दौरान में उसके घुटने में चोट लग गई और वह उसके बाद नहीं खेल पाया। उसका स्वास्थ्य बिगड़ता चला गया। इधर अपने घर परिवार से लगातार बाहर रहने के कारण वह अपने माँ बाप और बहन का भी ध्यान नहीं रख पाया था और एक रोड एक्सीडेंट के दौरान उसके पिता का अचानक देहांत हो गया, जिसका उसे बहुत मलाल था क्योंकि वह अपने पिता के लिए जिंदगी भर कुछ भी नहीं कर पाया था। पिता की मृत्यु के बाद सारा घर का जिम्मा उसी के ऊपर था। इसी खेल से उसे जो भी पैसा मिलता था उसी से उसने अपनी मां और एक छोटी बहन की देखभाल की। बाद में छोटी बहन की शादी के बाद मां अकेली रह गई। कुछ महीनों के बाद ही उसने मां को भी अपनी बहन के ससुराल के नजदीक ही एक गांव में किराए के घर में रख दिया, ताकि कभी कभी बहन मां के हालचाल भी लेती रहे। अब सब कुछ ठीक चल रहा था कि उसके घुटने में चोट लगने के बाद उसे भी घर वापस आना पड़ा। बीमारी में काफी पैसा खर्च हो गया। दवाओं के साइड इफेक्ट से उसके पूरे शरीर में जोड़ जोड़ में सूजन आ गई। शरीर अब पूरी तरह से खराब हो चुका था। बहुत समय तक तो वह व्हीलचेयर में ही रहा, पर फिर किसी तरह एक दिन उसने व्हीलचेयर और अपनी बैसाखी दोनों छोड़ दी और वह एक डंडे के सहारे चलने लगा। कुछ सालों के बाद उसने डंडा भी छोड़ दिया, मगर अब वह लचक लचक कर चलता। अपना सारा काम कर लेता, मगर उसने जो भी कमाया वह सारा का सारा धन उसकी बीमारी में और इतने समय तक बिना कामकाज किए घर खर्च में ही खत्म हो गया। काम उसको कुछ ऐसा मिलना नहीं था, यह समझकर उसने सोचा कि वह एक चाय की दुकान चला लेगा। एक दिन सुबह घर से शहर के लिए निकल पड़ा। तभी रास्ते में शहर के आसपास ही उसके दो मित्र मिल गए, जो बचपन से ही जो पिछले 15 साल से उसको जानते थे। उसने अपनी सारी परेशानी उनको बता दी और उनसे मदद मांगने की कोशिश की और कहने लगा कि वह आज इस हालत में है कि अब उसका कोई सहारा नहीं, पैसा उसके पास है नहीं, इसलिए उसने सोचा है कि वो कोई चाय की दुकान कहीं शहर में खोल लेगा, इसीलिए वो आज निकला है। और उन दो साथियों से भी उसने कहा कि वह भी अगर साथ में चलें तो मेरा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब तीनों ही शहर में एमसीडी के दफ्तर पहुंच गए, पूछताछ की कि रेड़ी पटरी की दुकानों को अलर्ट करने वाले ऑफिसर कौन हैं, वहां कोई मिला नहीं। ऑफिसर के पीए ने बताया कि रेड़ी पटरी की दुकान के लिए उसे एमसीडी इंस्पेक्टर से बात करनी चाहिए, जो कि उस एरिया का है जहां वह दुकान लगाना चाहता है। किसी ने बाजार में जहां इंस्पेक्टर बैठता था उस चौराहे के बारे में बताया कि वो वहां चौराहे पर बैठता है और वहीं अपने सारे कर्मचारियों को बुलाकर वहीं उनकी हाजिरी लगाता है, उनका कामकाज देखता है, वहीं मिलेगा। वह तीनों लोग वहां पहुंच गए। अब उस पहलवान को बड़ी तसल्ली होने लगी कि उसे 2-3 दिन के अंदर में दुकान लगाने की इजाजत मिल जाएगी।
जब वो एमसीडी इंस्पेक्टर के पास गए तो वह मिला नहीं। कुछ आदमी उसके वहां थे, उन्होंने कहा कि वो राउंड पर हैं, कल आना। दूसरे दिन गए तब भी वह मिला नहीं। कुछ आदमी वहां पर थे, उन्होंने कहा कि यहां तो ऐसा कुछ होगा नहीं, आप ऐसा करो साहब, तो तभी करेंगे जब बड़े साहब का वहां ऑफिस से ऑर्डर आएगा, आप वहीं बड़े साहब से ऑफिस में मिलो। वो फिर ऑफिस में चले गए। तीनों लोग दूसरे दिन ऑफिस में चले गए, वहां फिर कोई नहीं मिला। और फिर उसी पीए ने कहा कि नहीं नहीं तुम्हारा जो काम है वही इंस्पेक्टर से ही होना है, तुम उसी को पकड़ो। फिर दो दिन की छुट्टी हो गई। सरकारी छुट्टी के बाद दो दिन के बाद जब वो आए, तीनों लोग साथ में ही थे, तब भी वह इंस्पेक्टर नहीं मिला। ऐसा होते होते कभी एमसीडी ऑफिस, कभी इंस्पेक्टर के ठिकाने पर घूमते घूमते उन्हें 15 दिन हो गए, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला कि किससे परमिशन लेनी चाहिए। उधर इंस्पेक्टर जब भी एमसीडी ऑफिस जाता तो उसका स्टाफ कहता कि 3 लोग तुम्हें खोज रहे हैं। जब एमसीडी ऑफिस से वह अपने ठिकाने पर बाजार में उधर चौराहे पर जाता जहां वह लगातार बैठता है, राउंड लगाता है, तो वहां भी कोई ना कोई स्टाफ कहता कि 3 लोग तुम्हें खोज रहे हैं। अच्छी भाषा बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, हाथ में पानी की बोतल ली है, कैप लगा रखी है, पीछे तीनों ने बैग लटकाए हुआ है, अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, अच्छे जूते पहने हुए हैं, अच्छे आदमी मालूम होते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों खोज रहे हैं। जब 16वें दिन सुबह 11 बजे वह बाजार के उस चौराहे पर पहुंचे जहां इंस्पेक्टर हाजिरी लेता था अपने सफाई कर्मचारियों की, तभी ये तीनों लोग वहां उससे मिलने पहुंच गए। लेकिन ये लोग उसको शक्ल से तो जानते नहीं थे, मगर वो वहीं खड़ा था। जैसे ही उसने देखा कि 3 लोग आ गए हैं, ये मुझे पूछ रहे हैं, मेरे बारे में पूछ रहे हैं, वो वहां से चुपके से निकलकर किसी दुकान में घुस गया। अब उसको शक हो चुका था कि यह पहलवान और इसके दो साथी, यह तीनों लोग सीबीआई के या किसी एजेंसी के आदमी हैं, क्योंकि चाय की दुकान, यह तीनों आदमी में से कोई ऐसा नहीं लगता जो चाय की दुकान या किसी रेड़ी पटरी की बात करने मेरे पास आया हो, और वह मुझे किसी तरह रिश्वत लेने के केस में फंसाने के लिए या कोई चाय की दुकान लगाने का बहाना लेकर रंगे हाथों पकड़ना चाहते हैं। यह दिमाग में उसके बाद घर कर गई, यह जरूर किसी की चाल है। वह उस रात घर पहुंचा, थोड़ा चिंता और परेशानी को देखकर उसकी बीबी ने उससे पूछ लिया और उसने सब कुछ बता दिया कि 15 दिन से 3 आदमी जो किसी एजेंसी के हैं, सीबीआई के हैं, क्या है कुछ पता नहीं चल रहा, किसी ने उसके पीछे लगा दिए हैं, यह किसी की चाल है, अब मेरी नौकरी खतरे में आ गई है। वह तीनों सीबीआई के लोगों को आज मैंने अपनी आंखों से देखा है, और अब मैं, जब मैंने अपनी आंखों से देखा है तो मैं इस बात पर मुझे यकीन हो गया है कि वह कोई भी कोई किसी ने बहुत बड़ी साजिश रची है। अब वह अपने स्टाफ का नाम लेने लगा कि शायद इसने यह काम किया है, शायद इसने काम किया है, शायद इसने मेरे पीछे, क्योंकि यह मुझसे जलता है, यह मुझसे चिढ़ता है। उधर बीबी भी अपने दुश्मनों के बारे में कहने लगी, सोचने लगी कि जरूर यह जिन भी लोगों के साथ उनकी नहीं बनती थी, अच्छा बात व्यवहार नहीं था, आस पड़ोस के लोग, उनके बारे में सोचने लगी, कभी अपने रिश्तेदार बिरादरों के बारे में सोचने लगी कि यह उनकी उनकी चाल है। तभी पत्नी ने कहा कि कल यहाँ पास ही में एक आदमी है जो पूछताछ जानता है, अच्छी तरह जानता है, उससे पूछूंगी कि क्या बात है। वह झाड़ फूक भी करता है, कुछ चावल देखता है, कोई लौंग देखता है, कोई अगरबत्ती लाने को कहता है, जादू टोना हो या कुछ इस तरीके से
किसी ने कुछ किया हो तो वह सब देखता है। अच्छा ओझा है, बड़ी दूर दूर से लोग उसके पास आते हैं, वह सब बता देगा कि कौन पीछे पड़ा है। तुम चिंता मत करो, मैं कल जाऊंगी। तुम ऐसा करो कि अब एक हफ्ते की छुट्टी की अर्जी डाल दो। उसने छुट्टी की अर्जी डाल दी, तबीयत खराब का बहाना बना दिया। बीवी उस ओझा के पास गई और उसने उसके विचार पकड़ लिए, जो बार बार वह कह रही थी कि कोई ऑफिस वाला ही पीछे पड़ गया है या क्या बात है, यही बात ओझा ने कह दी। उसको ओझा पर विश्वास हो गया कि यह सही आदमी मिला, क्योंकि यह वही बात कह रहा है जो हम लोग को शक था। ओझा ने कहा कि 10 किलो गाय का घी चाहिए, बड़ा भंडारा करना होगा और यह काम पूर्णिमा के दिन करना होगा। 24 घंटे पूजा चलेगी और तुम दोनों पति पत्नी को यज्ञ में बैठना होगा। 101 ब्राह्मणों को भोजन कराना होगा और गांव के लोगों को भी, और जिनको भी मैं बुलाऊंगा सबको भोजन कराना होगा, बड़ा भंडारा होगा। बहुत बड़ी परेशानी है लेकिन मेरे पास इसकी काट है, आप चिंता बिल्कुल मत करें, लेकिन खर्चा आएगा लगभग 1 लाख रुपए। आप दोनों पति पत्नी को पूजा में बैठना ही होगा और बड़ी व्याधि आपकी है जो टल जाएगी। आज से 5 दिन के बाद पूर्णिमा आ रही है, इसी पूर्णिमा के दिन यह काम करना होगा। जल्दी से पैसे का इंतजाम करवाओ ताकि मैं इंतजाम कर सकूं, पंडितों को बुला सकूं और पूरे यज्ञ का, हवन का इंतजाम कर सकूं, राशन का इंतजाम कर सकूं। इन 5 दिनों में कुछ नहीं होगा क्योंकि मैंने चारों तरफ से घेरा बना दिया है। अब आप बेफिक्र रहें, कोई आपके घर तक नहीं आएगा, कोई पूछताछ करने के लिए कुछ कोई नहीं आएगा। 5 दिन के बाद पूजा हुई, भंडारा हुआ, 1 लाख रुपए ओझा को दे दिए गए थे, सब संपन्न हो गया। 1 हफ्ते के बाद जब वह दफ्तर पहुंचा तो देखा कि वह पहलवान और उसके 2 साथी उसके बड़े साहब के ऑफिस के बाहर ऑफिस में बैठकर चाय पी रहे हैं। वह तुरंत ही बहाना बनाकर, मार्केट से फोन आया है, वापस तुरंत जाना पड़ेगा चौराहे पर, ऐसा करके वह मार्केट की तरफ निकल गया, साइट में निकल गया और पूरे दिन इधर उधर घूमता रहा, ऑफिस नहीं आया। शाम को घर जाकर उसका बीपी बढ़ने की वजह से बेचैनी बढ़ने लगी। उसको अस्पताल में ले जाया गया जहां बीपी की वजह से सभी टेस्ट हुए, शुगर बढ़ गई, टेंशन की वजह से उसका सर भारी और उसको बड़ी तकलीफ होने लगी। उसे 1 हफ्ते तक अस्पताल में रहना पड़ा। डॉक्टरों ने कहा कि ऑब्जर्वेशन में रहना होगा, ब्रेन में क्लॉटिंग के चांसेस लग रहे हैं क्योंकि ब्लड प्रेशर बहुत बड़ा हुआ है। इधर बीबी जादू टोना, ओझा और नए नए विचार मन में सोचती रही कि कुछ भी नहीं हुआ, इतना बड़ा भंडारा हुआ, कोई दूसरा ओझा देखना पड़ेगा, है तो कुछ बात इसी तरह की कि कोई CBI या कोई एजेंसी किसने लगाई है। अब वो रिश्तेदारों को शक करने लगी, कभी अपने जिठानी पर शक करने लगी, कभी अपने पड़ोसी पर शक करने लगी, कभी अपने दूर के रिश्तेदारों पर शक करने लगी। अब तरह तरह की बातें उसके भी दिमाग में घूमने लगी। कहीं भी पूछताछ के लिए जाती, कोई कहता कि तुम्हारे घर का ही आदमी है, कोई कहता कि तुम्हारा पड़ोसी है, तुम्हारे बगल का ही, बगल वाला जो घर है वो है, कोई कहता कि टोना किया है, कोई कहता कि तुम्हारे मायके के लोग हैं, कोई कहता कि तुम्हारे ससुराल के लोग हैं, कोई कहता कि ऑफिस के इनके बहुत नज़दीक के लोग हैं जो जिनको यह अच्छा नहीं मानते या जो इनसे कम पैसा कमाते हैं। वह इधर उधर दौड़ती रही, जिसने जो बताया वह किया, लेकिन शरीर तो उसके आदमी का अब टेंशन, स्ट्रेस, BP, शुगर सब बहुत बुरी तरह से बढ़ रहा था, बुरी तरह प्रभावित हो चुका था। ऐसे ही अस्पताल, घर के चक्कर लगाते लगाते 1 महीना हो गया था। वो ऑफिस से छुट्टी बढ़ाता जा रहा था। इधर पहलवान के पास पैसा नहीं रहा, उसको किराया भी देना है, बूढ़ी माँ किसी तरह से गुजारा कर रही है, बहन साथ दे रही है, बहन के पैसों से
अब बहन आकर देखती है, अपना परिवार भी देख रही है, बूढ़ी माँ को भी देख रही है। अब उसको बहुत टेंशन उसकी बढ़ने लगी कि अब तो इस महीने का किराया भी मेरे पास नहीं। तभी उसने सोचा कि मुझे अपने पहलवानी के सर्टिफिकेट और मेडल लेकर ही MCD के सबसे बड़े ऑफिसर से मिलना चाहिए, वही मेरी हालत को देखकर कुछ कर सकता है। वह सबसे बड़े ऑफिसर के पास अपने सर्टिफिकेट और मेडल लेकर चले गए। MCD के हेड ऑफिस में पहुंचे, सबसे बड़े ऑफिसर के पास पहुंचे। यहां इंस्पेक्टर को उसके डिपार्टमेंट के कुछ लोग जो घर में देखने जाते थे, अस्पताल में देखने जाते थे, उन्होंने कह दिया कि आज तो वह तीन आदमी वही टोपी लगाए, हाथ में पानी की बोतल और बैग लटकाए हुए MCD के हमारे हेड ऑफिस में सबसे बड़े साहब से मिलने गए थे, कमरे के बाहर देखे गए हैं। इतना कहने की देर थी कि उसी रात उसे फिर से अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। उसका शुगर और ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया और दिल में दर्द की वजह से डॉक्टरों ने कहा कि इसे तुरंत ICU में रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो रही है, ऑक्सीजन में लेने में प्रॉब्लम हो चुकी है, अब इनको ICU में रखना पड़ेगा। पहलवान की अगले दिन बड़े साहब से बात हुई। उस दिन पहलवान को मिल नहीं पाया। अगले दिन पहलवान ने बड़े साहब से बात की, अपनी सारी बात सुनाई, अपनी सारी कहानी सुना दी, अपने सारे सर्टिफिकेट और मेडल दिखा दिए कि उसने इतनी जगह देश विदेशों में जाकर उसने खेला है, आज उसकी यह हालत हो गई क्योंकि उसको स्पोर्ट्स इंजरी हो गई थी। साहब ने अपने डिस्क्रिप्शन से उसे एक चाय की दुकान अलॉट करने का आदेश दे दिया। जब पहलवान उस आदेश की कॉपी लेकर जूनियर इंस्पेक्टर के पास गया, जो सारी सूचनाएं इंस्पेक्टर के घर जाकर भेजता था, देता था, जब भी मिलने जाता तो बताता था, तीनों लोगों की कहानी बताता था। जब उस इंस्पेक्टर के पास मिलने जाता तो बताता, उसने अपने माथा पकड़ लिया कि अरे ये क्या हो गया, यह तीनों लोग वाकई में चाय की दुकान के अलॉटमेंट के चक्कर में घूम रहे थे। उस जूनियर इंस्पेक्टर ने अपने माथा पकड़ लिया कि असली मामला तो चाय के स्टॉल को लेकर था। पहलवान ने चाय की दुकान खोल ली और धीरे धीरे उसका कामकाज चलने लगा। उधर इंस्पेक्टर की तबीयत बिगड़ती चली गई। 2 महीने ICU में रहने के बाद वह थोड़ा, जब उसको ऑक्सीजन, उसको सांस लेने में थोड़ा अच्छा महसूस होने लगा, तब उसे ICU से नॉर्मल वार्ड में रखा गया। जब वो थोड़ा ठीक हुआ तब उसके जूनियर इंस्पेक्टर ने पूरी कहानी उन तीन आदमियों की उसको बताई अस्पताल में जाकर। इंस्पेक्टर ने अपना सिर पीट लिया। उन्होंने कहा, अरे हम तो जादू टोने ओझे, कहाँ कहाँ हमने क्या किया क्या नहीं किया, उनको लाखों रुपए का चूना लग गया, ICU में 2 महीने की फीस और अस्पताल का पूरा खर्चा लगभग 20 लाख रुपए का था। इसके अलावा जादू टोने ओझे इनके खर्च अलग थे। यह पूरी कहानी है मनुष्य की, यह मनुष्य के मन की कहानी है। इस तरह मनुष्य का माइंडसेट, उसके अंदर का भय, उसके गलत कर्म उसको ही खा जाते हैं और वह भ्रमों का शिकार हो जाता है। यह पूरी कहानी मनुष्य के मन की कहानी है। हमें बहुत गहरे में इस पर विचार करना चाहिए।